ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आप सभी को वेद पंडित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों हम अपनी हर वीडियो में आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बताते हैं जिसको करने से आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाती है। दोस्तों आजकल की जिंदगी में जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा है उन्हें ये जानिए कि कोई भी कष्ट नहीं होता, या ये कहिए कि पैसा पास होता है तो हर समस्या का हल आराम से निकल जाता है और हमें ज़्यादा कष्ट नहीं होता। इसलिए पैसा हर किसी व्यक्ति के पास हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हर किसी व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा नहीं होती। आज जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं उस उपाय को आप ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल चमकती किस्मत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिए, जिससे कि आपको हम हर वीडियो में मिल सके और उसका पूरा लाभ आप उठा सके। दोस्तों आज हम आपको ऐसा सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको रास्ते में कहीं पर भी कोई पैसा या रुपया पड़ा मिल जाता है तो आप उसे चुपचाप उठा लें और उसे पैसों को लाकर आप एक लोटे में गंगाजल मिलाकर रख लें और सिक्का उस पर डाल दें। अगर मिला हुआ पैसा कागज का नोट होता है तो आप उस पर गंगाजल छिड़क कर घंटे या ज्यादा से ज्यादा 51 घंटे तक सिक्का या नोट आपको जल में पड़े रहने देना है और समय पूरा होने के बाद माँ लक्ष्मी का नाम लेकर 3 बार ताली बजा कर सिक्का जल से निकाल लें और अगर कागज या नोट है तो उसे खोल लें कलावे से। अब आपको जो जल लोटे में था उसमें आप उसे घर के चारों ओर कोने में छिड़क दें और बचे हुए जल को नहाते समय पानी मिलाकर स्नान कर लें और कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं और फिर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर सिक्के को अपने पर्स या तिजोरी में रख लें। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आएगी, लेकिन जिस प्रकार हमने आपको बताया है आपको उसी प्रकार से उपाय करना है। अगर इसमें आप कोई गलत तरीके से करते हैं तो इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें। धन्यवाद।